हेलो वेलकम फ्रेंड टू यूट्यूब चैनल कार्तिक आई टी में आप सबका स्वागत है। और आज कल हमने जो वीडियो बनाया था वो हाफ वेव रेक्टिफायर का बनाया था और आज हमारा जो वीडियो है वो फुल वेव रेक्टिफायर का बना रहे हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर ब्रेडबोर्ड पे हम किस तरह से बनाते हैं और ब्रेडबोर्ड का यूज़ किस तरह से करते हैं, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और पूरी आई टी एक सिलेबस इसमें कराया जाएगा तो सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमें जो काम लेना है हमें फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हमारे पास जो साधन चाहिए या रॉ मेटेरियल की आवश्यकता है, तो रॉ मेटेरियल के लिए हमको चाहिए दो डायोड, एक ये डायोड, ये दो डायोड, एक ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो आपके 909, एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी हमें यहाँ पे, जिसके अंदर सेंटर टेपिंग निकली वो इस तरह से चाहिएगा आपको। 12012 का ये ट्रांसफार्मर है, देखिए यहाँ पे रेटिंग लिखी हुई 12012। जीरो का मतलब ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, देखिए इनपुट में यहाँ पे इसके देखिए दो तार है, इनपुट में इसके यहाँ पे आपके दो तार है जिसके अंदर 230 वोल्टेज की सप्लाई आप यहाँ से देंगे, और आउटपुट में आपके पास में यहाँ पे तीन तार है, जो ये एक से जो सेंटर टेपिंग का है और बाकी दो वायर है आपके जिसके अंदर आपके दोनों तरफ आपके डायोड कंबाइंड होंगे। तो ये जो सर्किट है वो इस तरह से काम करेगा, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये है, आपको इस वायर में और इस वायर पे एक एक डायोड को कनेक्ट कर देना और यहाँ से आपको आउटपुट सप्लाई ले लेनी है। तो ये सर्किट देखिए, ये तार आएगा, यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे भी एक डायोड कनेक्ट होगा इस वायर पे, ग्रीन कलर के वायर पे और वाइट कलर के वायर में, दोनों को कंबाइन करके इस तरह से हमको यहाँ पे शॉर्ट करके इसकी सप्लाई लेनी है। तो हमारे पास ये निकालेंगे, ये ब्रेडबोर्ड है। ब्रेडबोर्ड क्या होता है, ब्रेडबोर्ड समझ लीजिए, ब्रेडबोर्ड एक आपके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल करने के लिए एक शॉर्टकट युक्ति है कि जिसके अंदर आपको कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर कनेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, तो कनेक्शन किसी बनाने जरूरत नहीं पड़ती। तो हम देख लेते हैं एक बार, ब्रेडबोर्ड कनेक्शन खोल देते हैं। आप देखिए यहाँ से, अगर आपने कभी ब्रेडबोर्ड नहीं देखा है तो ब्रेडबोर्ड आप यूज़ करते समय आपको जो कनेक्शन इसके जो ये पास वाले जो सिरे हैं, इसमें पास वाले सिरे पे अगर आप तार मिला देंगे तो इसका मतलब ये एक दूसरा कनेक्टेड हो जाएंगे, इस तरह से काम करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको अब एक बार खोल देते हैं सर्किट को पूरे को। ये देखिए ब्रेडबोर्ड के तार को हमने खोल दिया है, ये डायोड आउट लगाए हुए जो, और इस डायोड के सर्किट को हम लगाना शुरू करते हैं यहाँ से एक एक करके। अरे इतना भी ज़्यादा पास मत कर भाई, क्या एकदम फ्लैश चमको पड़ेगा। तो ये देखिए सबसे पहले दो तार हम लगा देते हैं, जो ये आपके डायोड के जो 12012 जो ट्रांसफार्मर है इसके देखिए येलो कलर के जो वायर है इनके ऊपर हमको डायोड को कनेक्ट करना है। तो ये दो तारों के कनेक्शन हमने कर लिए और ये तार हम यहाँ पे लगा देते हैं इसको, यहाँ पे ये तार ये यहाँ पे लगा दिया मैंने, और एक वायर मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे यहाँ लगा देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे हमने दोनों तरफ एक एक वायर लगा दिया और इसी के साथ सीरीज में हमें यहाँ पे इसके साथ ही डायोड को कनेक्ट करना है। तो ये डायोड इसी के साथ पास वाले में ये डायोड को लगा देना है और यहाँ से इसको हमें ये कनेक्ट कर देना। तो ये हमारा एक डायोड कनेक्ट हो गया। डायोड के आपको ध्यान रखना है कि सिल्वर भाग आपको आगे रखना है, ब्लैक भाग आपको पीछे रखना है, तो ये ध्यान रखें। इसके अंदर सिल्वर पट्टी जो आपको आगे रखनी है, कैथोड को आगे रखना है उसमें, और ब्लैक पार्ट है उसको, और इस तरह से इसको यहाँ पे जिस सिरे पे यहाँ पे कनेक्ट किया है वहीं पर ही आपको इसको डायोड को इसके सिरे के बराबर लेके आना है और आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ये आपके हो गया, डायोड का कनेक्शन हो चुका है और यहाँ से ये आपके हो जाए। अब आपको क्योंकि सर्किट के हिसाब से आपको इसको दोनों डायोड को यहाँ से आपको दोनों से सप्लाई लेनी है, तो यहाँ से हम एक तार का टुकड़ा ले लेते हैं, ये तार का टुकड़ा हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं तो ये शॉर्ट हो जाएगा इसके साथ ही। तो ये यहाँ से मैंने ये लिया है और इसको यहाँ पे शॉर्ट कर दिया ताकि ये एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो गए। और ये आपका देखिए, ये सर्किट आपके इस तरह से तैयार हो गया, ट्रांसफार्मर से निकल के आ गया। ये आपके एक वायर है जिससे आपको एक आउटपुट के रूप में ये वायर काम में लेना है, तो ये हमारा आउटपुट का एक वायर हो जाएगा और एक वायर जो आउटपुट के लिए जो है ये यहाँ से हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ये यहाँ कनेक्ट हो गया। तो अब हमारे पास में दो आउटपुट के वायर आ गए आपके। फिल्टर सर्किट लगाना तो आप यहाँ पर फिल्टर सर्किट लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम फिल्टर सर्किट नहीं लगा रहे, सीधा यहाँ पर करते हैं। चलिए फिर इनपुट देते हैं, और ये आपके 12012 का ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर हम इसको यहाँ से तार डाल देते हैं। ये देखिए ये तार डाल देता हूँ मैं, और यहाँ से आपके ये तार को ऑन कर दिया। ये देखिए ये यहाँ से आपका इनपुट आ रहा है 230 वोल्टेज का, तो ये यहाँ से इनपुट आ रहा है आपका 230 वोल्टेज का, ये यहाँ पे 12012 ट्रांसफार्मर पे गया है, यहाँ से अब आपको 12 वोल्टेज मिल रहा है। तो जो आपको डीसी आउटपुट मिलना चाहिए वो ये हमारे पास मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर जो डीसी आउटपुट मिलना चाहिए वो आपको मिलना चाहिए लगभग 11.5 वोल्टेज के आसपास में, 11 वोल्टेज है। तो आपको जो मल्टीमीटर है वो सेट कर देना है 20 वोल्टेज के आसपास डीसी के ऊपर। और ये मल्टीमीटर का हमारा लीड एक थोड़ी सी टूट चुकी है, तो इसको हम यहाँ से चेक करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास में ये दो आ गए हैं कॉमन, और इसके
तो जो ये नेगेटिव नेगेटिव सिरे हैं, यहाँ पर देखिए जो सिल्वर पट्टी वो नेगेटिव सिरा है, तो नेगेटिव नेगेटिव जो कंबाइंड हो जाएंगे तो ये हमें यहाँ से पॉजिटिव पार्ट देगा और यहाँ से हमें इसको नेगेटिव मिलेगा। तो जब नेगेटिव पे आप नेगेटिव लगाएंगे तो ये देखिए ये भी इसका मल्टीमीटर का कैथोड है और ये एनोड है, तो यहाँ पे एनोड के और ऊपर एनोड के साथ एनोड लगाना है, कैथोड के साथ कैथोड लगाना है आपको। तो आपके पास में देखिए 11.1 वोल्टेज, 12.0.12 का है, तो हमें ये 12 वोल्टेज 11 वोल्टेज के लगभग आपको डीसी मिल रही है इसके अंदर 11 पॉइंट की। जब अगर आपके नेगेटिव पॉइंट आ रहा है इसका मतलब आपने तारों को उल्टा जोड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव जोड़ देंगे तो आपको उल्टा तार के जो उसके साथ में आएगा तो उल्टा जोड़ देंगे। ये देखिए आपके नेगेटिव का निशान आ रहा है, इसका मतलब आपने तारों को क्या है उल्टा कनेक्ट किया हुआ है। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव आपको कनेक्ट करना है। तो ये देखिए ये पूरे आपको 11 वोल्टेज आपको यहाँ पे बराबर दिख रहे हैं, 11.7 वोल्टेज के आसपास। वाइब्रेशन अगर ज़्यादा ना हो तो ये बराबर आपको 12 वोल्टेज के आसपास ही मिलेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो कैपेसिटर या रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं फिल्टर सर्किट के हिसाब से। और ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है। नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो में हम हाफ वेव रेक्टिफायर बना चुके हैं और हाफ वेव रेक्टिफायर का वीडियो भी आपको अपलोड कर चुके हैं। अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और कल जो हम बनाएंगे वो ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। तो वीडियो के साथ हमारे साथ चैनल के साथ बने ही रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और